आज हम पढ़ेंगे सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो है सबसे पहले जो हमारी कौन सी थ्योरी आई थी पहले? सीएफटी बाद में आई। पहले कौन सी आई थी? वेस्पर थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें क्या हुआ था कि उन्होंने बोला था कि उन्होंने कोवलेंट नेचर के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने बॉन्ड के कोवलेंट नेचर के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड जो लिगेंट के वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वो एक दूसरे से ओवरलैप करके हाइब्रिडाइज करते हैं, ठीक है। वो हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी रूल्स था, ठीक है। वीबीटी रूल्स क्या बोलते हैं कि इस लिगेंट का वैकेंट ऑर्बिटल एंड किसका वैकेंट ऑर्बिटल एंड मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक इक्वल शेयरिंग, दोनों के वैकेंट ऑर्बिटल जो है आपस में मिलकर इक्वल शेयरिंग करके क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो वीबीटी ने कहा था, ठीक है। बट उन्होंने आयनिक बॉन्ड्स या फिर कोई बड़े बॉन्ड्स के बारे में नहीं बताया था, जहाँ पे ये थ्योरी जो है अनकम्प्लीट रह गई थी, ठीक है। तो उसके बाद सीएफटी आई, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। इसमें क्या होता है कि इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनमें जब लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स यहाँ पे आते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स इनको दे वैकेंट ऑर्बिटल्स में रखते हैं, तो क्या होता है इनकी ये जो है अब स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल में, मतलब डीजेनरेसी वहां पे ब्रेक हो जाती है, मतलब जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम उसको पढ़ेंगे। जैसे हमने मान लो कोई यहाँ पे ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, मेटल के ऑर्बिटल्स थे, तो वो क्या थे? अभी मान लो ये मेटल्स के ऑर्बिटल्स थे, इनको हमने एक क्रिस्टल फील्ड पे रखा। किस पे रखा? क्रिस्टल फील्ड पे। अभी इन ये कितने हैं? पांच ऑर्बिटल्स हैं क्रिस्टल फील्ड में, अभी ये कितने रहे? पांच ही रहे, 1 2 3, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी क्या रहे? ओनली 5 रहे। अब यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड मतलब एक ऐसा फील्ड है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा, तो इनकी एनर्जी थोड़ा बढ़ गई। क्या हो गई? क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कहीं ना कहीं इसने कुछ एब्जॉर्ब किया होगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी थोड़ा बढ़ी होगी, ठीक है। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? थोड़ा बढ़ जाती है, मतलब एनर्जी लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, इनका हाई हो जाता है। अब क्या होगा, जब लिगेंट इन वैकेंट ऑर्बिटल में भरने आएंगे तो क्या होता है, ये अपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिजनरेट अलग अलग हो जाते हैं, मतलब, ठीक है। तो ये क्यों होता है? वाई इसका रीजन क्यों है, ये ऐसे क्यों होता है, ये अब मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर जैसे अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ये मेटल है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं? ऐसे करके लिगेंड्स लगे रहते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक्सिस में है। अगर हम इसको वाई एक्सिस माने, इसको एक्स माने, इसको जेड माने, तो ये किस में है? एक्सिस में है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा जो डी एक्स वाई और वाई जेड होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सिस पे पाए जाते, सॉरी, एक्सिस पे क्या हो जाते हैं? अलोंग एक्सिस पे क्या करते हैं? यहाँ पे रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। वाई? क्योंकि मेटल्स कहाँ पे आ रहे हैं? क्योंकि ये डी ऑर्बिटल होगा ना, मेटल्स मेनली डी ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? जो डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है, इनकी एनर्जी क्या होती है? ये क्या होते हैं? हमेशा कहाँ पर होते हैं ये ऑर्बिटल्स? कहाँ पे होते हैं ये ऑर्बिटल्स? कहाँ होते हैं? अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक्सिस में होते हैं। तो ये मेटल्स लिगेंड्स भी कहाँ पे आ रहे हैं? एक्सिस में आ रहे हैं। तो लिगेंड एक्सिस में आ रहे हैं और ऑलरेडी ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस में हैं, तो दोनों क्या करेंगे? उसको रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से क्या होगा? इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कौन से वाले की? इसकी एनर्जी, जो ये वाला ऑर्बिटल है, जब इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड इस वाले ऑर्बिटल में आएंगे, जो ये लिगेंड है ना, इस साइड से आएंगे ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में इस साइड से आएंगे, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और इनकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? ये ब्रेक होंगे ऊपर, और जो एक्सिस में नहीं होते, एक्सिस में कौन नहीं होते हैं? डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स वाई ऐसे करके, और फिर जो वाई जेड वाले होते हैं, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड ऐसे करके होते हैं ना, जो एक्सिस पे नहीं होते हैं, वो क्या होता है? बिटवीन होते हैं एक्सिस के, ठीक है। तो उन वो क्या करते हैं, जो ये फील्ड का जो जो लिगेंड आता है उसका उन पे इफेक्ट कम पड़ता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा।
इसका जो नोट्स है मैं वो आपको अभी लास्ट में आपको दिखा दूंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट नोट्स। तो ये किसके लिए है? ऑक्टाहेड। ऑक्टाहेडल में क्या होता है, जब जैसे ये है 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 होंगे, तो हमने जैसे इसको क्रिस्टल फील्ड में रखा तो क्या हुआ, थोड़ा इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, जब लिगेंड अप्रोच होंगे तो दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इनका नाम होता है T2G एंड इनका नाम होता है EG, ठीक है। ये क्यों हुए, ये हाई में क्यों गया, ये लो में क्यों गया, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मान लो D1, D2, D3, D में 1 इलेक्ट्रॉन है, D में 2 इलेक्ट्रॉन है, D में 3 इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से हम इसको भरते हैं। वो मैं आगे की वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी, मैं आपको पूरी CFT का पूरा चैप्टर आपको कराऊंगी, ये बेसिक लेवल है, ओके। तो यहाँ पे इस टाइप से ये ब्रेक हुआ, ओके, ये ऑक्टाहाइड्रल के केस में, जबकि टेट्राहाइड्रल की, ये ऑक्टाहाइड्रल के केस में है। अगर हम टेट्राहाइड्रल की बात की करें तो उसमें थोड़ा अलग होता है, उसमें क्या होता है, जो ये एक्सिस वाले होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम होती है, बिकॉज टेट्राहाइड्रल, आपने टेट्राहाइड्रल शेप्स पढ़े होंगे, देखा होगा टेट्राहाइड्रल शेप, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, देखो लिगेंड्स के साथ है टेट्राहेड्रल, है ना, एक पीछे से आएगा, ठीक है, एक आगे से आएगा, अलग अलग एक्सिस में से ये आते हैं, ठीक है, हमने देखा होगा ऐसे करके, जैसे ये CH4 होता था तो यहाँ पे एक पीछे से आता था, एक आगे से आता था, ठीक है, एक ऊपर से आता था, एक सामने से प्लेन में होता था, ठीक है, वैसे ही होता है। तो ये क्या होता है, मतलब थोड़ा एक्सिस में नहीं होते, जैसे ये एक्सिस में नहीं होते, एक्स में, वाई में, जेड, इस तरीके से नहीं आते, ये थोड़ा, ये जेड ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा ऐसे होगा, ठीक है, जेड वाला, मतलब जेड से थोड़ा इधर को आते हैं, ठीक है, तो ये एक्स वाई और ये जेड में ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लिगेंड कहाँ से आते हैं, यहाँ पे जैसे ये लिगेंड है, एक लिगेंड कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा लिगेंड, ठीक है, यहाँ पर से लिगेंड आएगा, एक लिगेंड यहाँ पर से आएगा, एक लिगेंड यहाँ पर से आएगा, एक लिगेंड क्या आएगा, एक लिगेंड यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस पे नहीं है तो एक्सिस वाले में एनर्जी कम लगेगी, और जबकि ये अलोंग द एक्सिस नहीं, ये बिटवीन द एक्सिस है, कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में है। तो बीच वाले क्या होते हैं, अभी बताया था, जो बीच में होते हैं ना, वो होते हैं DXY, DYZ, DZX। आई होप आपने ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में पढ़ा होगा, शेप्स क्या होते हैं, DXY, DYZ में बीच में होते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, ठीक है। तो बीच में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो ये एक्सिस है इनके बीच में ये लिगेंड्स आ रहे हैं, तो बीच वाले में अब क्या होगा, बीच वाले में अब हमें एनर्जी ज्यादा फील होगी, ठीक है। अब किसमें होगी ज्यादा फील, बीच वाले में, जो अलोंग द एक्सिस है, अलोंग सॉरी जो बिटवीन द एक्सिस है, बिटवीन द एक्सिस ये होते हैं, ठीक है, YZ और ZX, ठीक है। तो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये क्रिस्टल फील्ड में आएंगे 5 ऑर्बिटल्स, तो इस तरीके से जनरेट होते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, अब तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में क्या होगा, कम एनर्जी इसमें लगे, क्योंकि अभी क्या है, एक्सिस में नहीं आ रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस ये वाले होते हैं, तो बिटवीन द एक्सिस लिगेंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिगेंड आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम हमें क्या होगा, रिपल्सन फील होगा, तो रिपल्सन फील किस में होगा, बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे तीन आ गए, DXY, DZX और DYZ, ओके। तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स बने होते हैं, और इन दोनों के बीच की जो गैप होता है ये टोटल 10 DQ होता है, ठीक है, और इस ऊपर 4 DQ होता है और नीचे 6 DQ होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि बीच में है ना, जो एक्सिस है उनके बीच में लिगेंड आ रहे हैं, और बीच में कहाँ होते हैं, ये बीच में यहाँ होते हैं, DXY जैसे ये हो गया, एक्स और वाई के बीच में DZX ऐसे करके होता है, इन दोनों जेड और एक्स के बीच में, तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये ऐसे भरे होते हैं जो एक्सिस के बिटवीन में लाई करते हैं, ठीक है, ये वाले, और एक्सिस के बिटवीन में ही क्या हो रहे हैं, लिगेंड अटैच होने आ रहे हैं, तो बिटवीन में ही ये लाई करते हैं ये वाले ऑर्बिटल्स, एंड बिटवीन में ही लिगेंड आ रहे, तो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी फील करेगा, दोनों रिपेल होंगे तो ज्यादा एनर्जी फील करेगा, तो ज्यादा डीजेनरेसी मतलब जब टूटेंगे तो यहाँ पर ज्यादा कहाँ पे होगी, फील यहाँ पे होगी,
ठीक है, आई होप आपको सीएफटी का थोड़ा बेसिक जो है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के बारे में पता चल गया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सीएफटी का चैप्टर पूरा कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको डी1 डी2 डी3 ये सीएफटी के नोट्स हैं जो आप नोट कर लीजिएगा। द ट्रांजिशंस मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द लिगेंड्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो चारों ओर से लिगेंड आते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डोनेट करते हैं, एंड जो जिनके पास लोन जो डोनेट करते हैं वो निगेटिव, और जो मेटल होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये सीएफटी यही एक्सप्लेन करती है कि उसका आयनिक नेचर को जो है एक्सप्लेन करती है। कहीं ना कहीं ये भी फेल हो गई थी लास्ट में, पर आप देख लीजिए एक एक करके, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लिगेंड यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, निगेटिव जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और ये इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होते हैं निगेटिव एंड पॉजिटिव एंड्स के बीच में, और इसको आयन इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। ओके, इन अ केस ऑफ 5 ऑर्बिटल्स पहले क्या होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं, नहीं डिजेनरेट होते हैं, एंड जब इनको हम लिगेंड के पास रखते हैं तो ये डिजेनरेट हो जाते हैं 2 पार्ट्स में। और इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इट कंसिस्ट मेटल लिगेंड बॉन्ड तो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, डज नॉट एक्सप्लेन द पार्शियल कोलेंट नेचर को नहीं बता पाया। इसने कहा कि जिनके पास जो निगेटिव आता है आयन होता है वो देते हैं, तो वो निगेटिव हो क्योंकि उनके पास है, और जो मेटल होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों का आयनिक नेचर होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। जबकि कोलेंट नेचर के बारे में, इक्वल शेयरिंग के बारे में नहीं बताया था, और नए चार्ज ट्रांसफर के बारे में बता पाया। ये जो है ऑक्टाहेड्रल का जो वो डायग्राम था, जो एक्सिस में पाए जाते सारे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सिस की ओर से आते हैं, मतलब जो जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले होते हैं ना, डी जेड स्क्वायर वाला ये वाला एरिया होता है, ठीक है, इसमें रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे करके। डी जेड स्क्वायर वाला आपने पढ़ा होगा जब ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ रहे थे, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यही वाला इसी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यही देखो यही वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहीं से लिगेंड आ रहे, तो दोनों लिगेंड में, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जहाँ पे रिपेल करने की वजह से बहुत तेज़ी से, जैसे अगर दो चीज़ हैं एट्रैक्शंस में कम एनर्जी क्यों लगती है, देखो एट्रैक्शंस तो ईजीली हो जाता है ना, हम किस चीज़ को आसानी से, अगर दोनों अलग अलग इंड हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो हम ईजिली ले आएंगे क्योंकि वो खुद ही आपस में आना चाहेंगे अट्रैक्शन। जबकि जो रिपल्सन होता है वो सेम इंड में होता है, तो सेम इंड में हो रहा है तो इसका मतलब में ज़्यादा एनर्जी लगेगी उनको पास लाने के लिए, और अगर ये दूर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दूर एनर्जी से जाएंगे, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये ऑर्बिटल्स के शेप बना रखे हैं डी एक्स वाई जो एक्सिस के बिटवीन में लाई करते हैं, ये डी एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स, और जबकि ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या कर रहे हैं, एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, डी जेड स्क्वायर भी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये डी ऑर्बिट, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, इन्हें उतार लेना, मैंने समझा रखा है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल का है, यहाँ पे क्या है, एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, ये एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहे, जबकि एक्सिस की क्या कर रहे हैं, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि डी एक्सिस वाई और डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर में ज़्यादा रिपल्सन होगा। देखो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और डी एक्स वाई डी वाई जेड भी यहीं पर होते हैं, ऑर्बिटल्स भी यहीं पर होते हैं ना, और लिगेंड भी यहीं पर से आ रहे हैं, तो लिगेंड यहीं से आ रहे हैं, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो सबसे ज़्यादा हाइयर एनर्जी में कौन जाएंगे, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड, तीनों के जाएंगे टेट्राहेड्रल के केसेस में ऊपर जाएंगे, हाईली एनर्जी होगी। और बताया था मैंने 4D क्यू ऊपर को होता है, 6D क्यू नीचे को होता है, टोटल 10D क्यू होता है इनका एनर्जी का गैप। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में आपको मैं सी एफ एस सी बताऊँगी, मतलब जो इसकी एनर्जी है उसके बारे में बताऊँगी। ठीक है, वही है सब जो मैंने बता रखा है, आप इसको उतार लेना। सही है, स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा उसकी बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।